चलो चलो निकलो 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 निकलो। लेकिन ना लाइन फिक्स होती है कि उसी लाइन पे चलना है। देखो बिल्कुल सीधा चला रहा है एकदम जैसा। आज तक जॉम्बी तक हमने जो फ्लाइट ली वो ऐसे गई है, तो ये तो ऐसे 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 भाई बहुत अच्छा लग रहा था। चलो हाँ चेकआउट करो। कौन सी फ्लेक ये सबसे पहले तो हम ले रहे हैं सूप। हाँ ओके वन मोर। ये बैठी श्रेया, मेरा सामान। लंच में हमने बहुत कुछ लिया है यहाँ भी और ये सारा सामान जो है यानी खाने पीने का वो सिर्फ मैं लेकर आऊँ, श्रेया नहीं लेकर आई। हाँ ये काम कर रही थी इस वजह से। चलो फटाफट से खाते हैं। अब से मेरे लिए कुछ लाएगी। क्या लाई हो? अपने मेन चैनल के लिए इन्होंने वीडियो शूट की है, उसके बाद में इनको भूख लगाई तो भाई मैं फिर से सर्व करके लेके आया। पूरी सेवा हो रही है ना, दोबारा भूख लगाई। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए होटल से। चेकआउट तो 2 घंटे पहले ही कर दिया भाई, 3 घंटे पहले। सर्दी बहुत लग रही है, मैंने आइसक्रीम भी खिला दी सर। आज तो कलकत्ता पर ढंग से बारिश हुई रिमझिम वाली। आगे दिन भाई सो रहे निकल दिए एयरपोर्ट के लिए। कितना बचा है? 5 किलोमीटर। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हमने सिक्योरिटी चेक इन भी कर लिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, जो कि कोलकाता का एयरपोर्ट है। और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है। लॉन्जेस वगैरह इधर है और काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट्स भी अवेलेबल है। क्या अच्छा सूर्य सुधर भी है? क्या बात है यार, यानी कि अपन इतने ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में गए थे। क्या बात, श्रेया ने बताया देखा। अब इस एयरपोर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर बैठते हैं एक जगह। अभी 2 घंटे है फ्लाइट में। लास्ट टाइम जब मैं कोलकाता आया था, यानी कि फर्स्ट टाइम जब आया था, तो सत्यम के साथ में आया था, ठीक है। और एयरपोर्ट पर यहाँ पर ये विश्व बंगला करके एक आउटलेट है, यहाँ से मैंने 2-4 चीज़ें ली थी। और अभी अपने साथ में श्रेया है, कुछ सामान वगैरह देख रही है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ी सही रेट पर भी अच्छी चीज़ एंड यूनिक मिलती हैं वेस्ट बंगाल की कलकत्ता की जो भी हो। देख रही है श्रेया पीछे कुछ चप्पल लगे तो बताना। इंडिगो की वो एक फ्लाइट आ गई। इधर एक खड़ी है, ये कौन सी एयरलाइन है? आकाशा। ओके वो एक छोटा वाला प्लेन वो खड़ा। अभी हम इसी से ही फ्लाई करने वाले हैं दिल्ली के लिए और ये आकर लग गया भाई। कितना सटीक होता है ना, लेकिन ना लाइन फिक्स होती है कि उसी लाइन पे चलना है। देखो बिल्कुल सीधा चला रहा है एकदम तेज जैसा। और ये उसमें अटैचमेंट अभी कर दी जाएगी लिफ्ट। एनर्जी भाई ये फ्लाइट जो है 7:30 पर अगेन फ्लाई होगी और मुझे लग रहा है कि इसमें पैसेंजर आए हैं, कहीं से भी आया हो ये प्लेन। अभी टाइम कितना हो रहा है? इंडिगो की फ़्लाइट जो है टाइम हो रहा है 5:40। ये देखो 5:40 हो रहा है, तो लगभग इसको 2 घंटे का रेस्ट मिल जाता है, जिसमें रिफ्यूल होगा, पूरी चेकिंग होगी और फिर ये फ्लाई करने के लिए रेडी होगा। मैंने बोला था इतनी देर पहले फ़्लाइट आ जाती है, नहीं भाई
अभी जस्ट इसकी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, ये अभी आई है, यानी कि अपनी बोर्डिंग जो है अभी स्टार्ट होने वाली है और ये अभी आई है 2-4 मिनट पहले ही। मतलब एक फ्लाई के बाद में फ्लाइट जो है दोबारा से रेडी हो जाती है फ्लाइट के लिए, लगभग आधे घंटे में ही, एक घंटा मान लो, एक घंटे। बोर्डिंग में भी तो टाइम लगता है, लगभग 40-45 मिनट, अलग अलग फ्लाइट के हिसाब से होता है। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है दिल्ली। बस के शीशे देखो, दूर से कितने छोटे लगते थे, देखो वो पास से भी छोटे थे। सब बैठ गए यार, हम लोग रह गए। फ्लाइट में ये एचपी एविएशन पड़ता है, मतलब 203+0। सही रहे, तो लाइट्स बंद कर दी जाती है, लाइट इतनी लाइट हमें चलती है बस, रात की फ्लाइट है। इतनी फ्लाइट्स ली हैं अपनी लाइफ में, लेकिन सबसे
खतरनाक वाली जो फ्लाइंग थी वो आज वाली क्या को तो ये आज नॉर्मल लगा होगा लेकिन नहीं ये नॉर्मल नहीं था आज तक जो अभी तक हमने जो फ्लाइट ली वो ऐसे गई है तो ये तो ऐसे 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 भाई बहुत अच्छा लग रहा था। हम निकली आ रही थी पता आवाज़ नहीं निकल रही थी मुझसे तो बोल रही अच्छा लग रहा था भाई यार चलो फटाफट से निकलते हैं सभी लोग यहाँ से निकलने लगे हैं। हाँ बैठ जाए यार मुझे लगता है नहीं इसको नहीं रखा है बताएंगे चलो चले अब ये बैठे रहो प्लान लगी अच्छा चला 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 बस में हमारे विमान में बताया गया था कि आप अपना कीमती सामान बेल्ट नंबर 8 से ले लें जो कि हमें दिख गई है और हम लेने वाले हैं। देखते हैं से अपना बैग पहचान पाती है या नहीं। उठा लेना बस पहचान लेना बस यही है ना पक्की बात है। उठा लो अपना बैग हमसे पूछ रहे हैं यही है क्या खुद कहाँ जा रहे हो उसके साथ में देखो उस पर लिखा होगा क्या लिखा है कुछ लिखा होगा उस पर कुछ तो बहुत कुछ लिखा है चलो यही है देखो 315 लिखी है हाँ कहाँ लिखी अरे भाई कितनी चेकिंग मारोगे चलो ये देखो हाँ वो तो रास्ते में अपने बैग का हैंडल ही पकड़ के बैठे थे कि इनके बैग का हैंडल आज हम खराब कर देंगे तो भाई फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं सुबह के 5:30 बजे और अब सोते नींद आ रही बहुत देर दो दिन को थके हुए भी और तैरना सो नहीं पाए। गुड नाइट मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग ऐसी ही सीरीज में।